कौन जाएंगे? दीपक का नाम विषय हलवा क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है कि हम लोग के भी राशन, हम लोग के कुछ मदद चाहिए। हम लोग की भी परेशानी है, पानी है, आने जाने का रुका है। हम लोग की नहीं है, हम लोग दोहरी में नहीं है, हम लोग के पानी नहीं गिरा है। हम लोग के भी अपना घूम के जाते हैं बाजार में, कोई मर्दी मर्दा नहीं। अब कोई घर डूब जाएगा तो कौन निकालेगा हम लोग को? सब आफत काहे के लिए? हम हर बात के बोले के चाहिए, आके दरवाजे पे देखे के चाहिए, जाते के चाहिए, भी एक दिन नहीं दरवाजे पे आए हैं। और जो जो आबादी जगह है उसको कब्जा कर लिए है, उसको इतना हम लोग एप्लीकेशन डाले, इतना डाले है, बाकी उसको कोई सुनवाई नहीं है, ना डीएम कलेक्टर कोई नहीं सुनवाई है। क्या दबंग किस्म का आदमी है? अब बता ना। हाँ, दबंग है अभी तो। हाँ। इतना डर है असि उसी का नहीं ना जमीन, सभी आखिर तो जमीन बिकता है ना सबको, तो एक कोठारी भर के। बाढ़ में क्या आप लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है? हम लोगों को कुछ नहीं सुविधा है। क्या राशन बट रहा है, है। पैकेज बट रहा है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, हम लोग के सरकार को मिला ही नहीं, किसी के नहीं मिला, इतना देर में किसी के नहीं मिला है। का वो अनाज नहीं खाते हैं? आज आपके क्षेत्र में मंत्री जी भी आ रहे हैं, राशन बांटेंगे, तो क्या आपने वहाँ जा करके अपनी समस्या बताई? हम तो बताइए दे, कह दे हम लोग के सबको जो चेयरमैन है, मेंबर है, मिल मिल के घर में मिल मिल के जो उसका माई बाप है, उसका बहन बहन है, उसी को जा जाके देते हैं। एक घर में चारा वहाँ सब मिलता है, एक घर में कहना हम लोग का खड़ा रहना मिलेगा? दो भाई है, दो भाई के नहीं मिलना है, एक ही के मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप बाढ़ से पीड़ित हैं, दूसरे तरफ आप जो है आपको राशन पता ही नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है, आप जो झूठ बोलते हैं तो पूछिए बुजुर्ग का, पूछिए कुछ नहीं मिला है। कितने लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला है, मेन मेन आदमी को मिला है। कितने लोग होंगे जो आप ये सुविधाएं से वंचित होंगे? देखिए इतना दिन में है, इतना दिन में किसी को नहीं मिला है, एक गली से लगाई है, किसी को नहीं मिला है इतना दिन में, आये सब पानी में गिरा है। वीरेंद्र प्रसाद सहनी जी, क्या समस्या है आप लोगों की और क्या है? तो बहुत गंभीर, आप देख ही रहे हैं कि यह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, आज ये एक हफ्ता से यही हालत है। कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, मतलब जो भी अगर आ रहे हैं, आए हैं एक आध अधिकारी डीएम वगैरह, तो वो लोग बाहर से ही देख के चले गए हैं, कोई अंदर आने का मतलब ये नहीं किया कि मतलब अंदर कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, और उन सब उन लोग को खाना पानी का क्या मतलब सुविधा है कि नहीं है, आदमी कैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है इसी में। क्या और समस्याएं हैं आपकी? यहाँ तो बहुत समस्या है, ये तो औरत को सबसे बड़ी समस्या है, कहाँ से यहाँ से सबके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है। अच्छा। और औरतों को बाहर जाना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या ये नगर का है। ये भगवान पूरा हुआ, चमरौटी वार्ड हुआ, मलाटोला हुआ, ये तीन वार्ड का ये समस्या बहुत बड़ा, जो औरतों को बाहर जाना पड़ता है उसके लिए पानी हेल कर औरतों को जाना पड़ा। ये सामने देखिए, इधर पानी जहाँ भी आना जाना है लोग हेल के ही, दो दिन से ये नाव पड़ी हुई है। हाँ, या तीसरा दिन है।
इसके पहले मतलब पानी कितने दिन से बढ़ा है? पानी तो एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से बढ़ते आ रहा है मगर आज स्थिति थोड़ा कम हुआ है। तो क्या ये पानी किस चीज का है? ये नदी का बाढ़ का पानी है। सरकार प्रशासन कोई आया नहीं है या कोई आया है? मतलब कुछ किया नहीं है लोग, कोई हेल्प नहीं, कोई मतलब सहायता नहीं, चाहे कैसे आएंगे जाएंगे, कुछ खाने पीने का व्यवस्था है कि नहीं है? खाली दौड़ा मार के चले जा रहे हैं। राशन वाशन नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई एक पैसे का कोई, चाहे कोई मतलब खाद्य पदार्थ, चाहे कुछ भी मतलब। ये नाव किसकी है? आप लोगों की है? नाव तो हम लोग का ही, मलाह है हम लोग। तो ये सरकार के में दर्ज है या इसी कैसे चला? तीन दिन से पड़ा हुआ है, तीन दिन से सरकार के दर्ज में ये नाव पड़ी है, मगर इसके पहले मतलब अपना हम लोग। का नाम बा तोहार? पूनम। क्या परेशानी बा? का दिक्कत रह? सास ससुर अकेले? अगर पहले कुछ मदद तो मिलल है? कितना दिन से पढ़ाई लगा? अच्छा, का का मिलल है? अब तक 7 दिन में क्यों कुछ मदद हो? अधिकारी मंत्री नेता 7 दिन? अच्छा, 7वां दिन। अच्छा, पानी की स्थिति क्या बा? अच्छा, घटत है? मतलब पानी घटे लगा था, अधिकारी मदद करते हैं? तकरी पहले मदद कुछ? पहले ना कुछ नहीं। 7 दिन में कुछ मदद ना? पानी कब आया पूछे? पानी कब आए तुरिक मोहल्ला में? परसों आया है। 4 दिन? रुकिए रुकिए, पानी कब आया था? पानी आया तो मालूम नहीं तो तारीख। तो कद तुरे घर में कहिए पानी घुसल? हमारे घर में पानी अच्छा 5 दिन से। उसी दिन से एक दिन पहले रात में सुने ना पानी आ रहा है, इसलिए हम दूसरे घर चलेंगे, वहाँ से फोन करके पूछे तो हमारे इतना पानी हो गया। अभी घर में पानी है कि नहीं? अभी इतना है, सामान दूसरे घर रखेंगे, हमारे घर में जाही वाला जगह नहीं। अच्छा, अभी नहीं, अभी बाहर हैं। बाहर हैं, अभी दूसरे घर जाएंगे, अभी आए सुबेरे हमारे पास फोन किया, सामान लेगा, अभी जहाँ रह रहे वहीं ले जाएंगे सामान हमारे घर में। ये लिस्ट कौन बनाया है आप लोगों का? के नाम से बोल रहे? लेखपाल साहब। सफाई का व्यवस्था के साथ साथ देखा कि जगह जगह सफाई की लेकर के यहाँ पर आज जो कार्यक्रम किया गया है, क्या है इस? आज मैं सुबह लखनऊ से निकल करके आजमगढ़ और मऊ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में गया और वहाँ दाम महुला गांव में जो बांध टूटा हुआ है, जो रिंग बांध टूट गया था, उसका मैंने दृश्य देखा। बहुत ही भयावह दृश्य, कल परसों आपने भी वीडियो पे देखा होगा, बहुत ही भयावह दृश्य था। उससे जो असर हुई थी, जो इन मकानों में पानी घुस गया था, जिन घरों में और गाँव में पानी घुस गया था, वो सब मैंने प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद वहाँ के प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। वहाँ से निकलने के बाद दोहरी आते समय उस बांध के किनारे किनारे आते हुए कई जगह लोगों ने रोक रोक करके बांध में जो टूटा हुआ था, जो टूटा था या टूटने की कगार पे था या मरम्मत की गई थी, उन सारे दृश्यों को हमें दिखाया। उसी बांध के इर्द गिर्द रहने वाले कई प्रभावित लोगों से भी मैं मिला और उनको भी राहत सामग्री, हमारे राधा स्वामी संप्रदाय ने हमारे निवेदन पर उनके लिए भोजन भी प्रस्तुत किया, तो वो भी वितरित किया गया। इस प्रकार करते हुए वर्तमान में मैं दोहरी घाट में हूँ। दोहरी घाट ब्लॉक के कई गांव बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, दोहरी घाट कस्बा भी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, नई बाजार, पतनई बुजुर्ग, पतनई खुर और ऐसे तमाम गाँव जो है प्रभावित हुए हैं। उन तमाम गाँवों से आए हुए लगभग 225 लोगों को अभी आपके स्थिति में उपस्थिति में हम लोगों ने राहत सामग्री वितरित की है, भाइयों बहनों को, माताओं को। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले कुछ घंटों और दिनों में परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। मैं आजमगढ़ और मऊ दोनों ही जिलों के
स्थानीय प्रशासन को बहुत साधुवाद देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को बहुत साधुवाद देता हूँ और यहाँ की सेवाभावी संस्थाओं को भी साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं रखी है, जनता की पूरी सेवा हुई है। आने वाले दिनों में मैं सेवाभावी संस्थाओं से, जनप्रतिनिधियों से सबसे निवेदन करता हूँ कि लोगों के साथ खड़े रहें। प्रशासन तो खड़ा ही है, लेकिन जब समाज उसमें कार्य में जुटता है तो और भी बेहतर कार्य होता है। प्रशासन को साधुवाद देने के साथ साथ जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको धन्यवाद देते हुए, जो लोग अभी सहयोग देने से वंचित हैं उनको भी मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जनता की सेवा के लिए आगे आए। लोगों का कहना है कि अगल बगल जो ये बाढ़ आ रही है, बंधा बन जाता, ठोकर बन जाता, तो न कटान होती न पानी जो है बाढ़ की में आता। बाढ़ की परमानेंट व्यवस्था की दृष्टि से कहीं कहीं ठोकर बनाने के प्रस्ताव हैं, कहीं कहीं ठोकर बनाने की आवश्यकताएं हैं। उन सबको हम लोग आने वाले दिनों में उसको अच्छे से देख करके और हम लोग उसका स्टडी करके उस पर जो भी करना जैसा। मधुबन क्षेत्र के बिनटोलिया में जो है वह लगातार कटान चलता रहे, कम से कम 500 घर वो कट चुका है, फिर भी वहाँ पर अब तक न ठोकर बना न कोई वहाँ व्यवस्था की गई। जो भी विधायक और जो भी वहाँ जीते जनसेवा करने के लिए प्रतिनिधि बने, वो जनता को एक जनता कहना कि भुलावा दे करके तोड़ दे देते हैं, लेकिन हमारा जो है न बंधा बनता है न जो है ठोकर लगता है, खाली आश्वासन देके लोग चले जाते हैं, न राशन की व्यवस्था होती है न बाढ़ की व्यवस्था। मधुबन के बिंदटोलिया गांव में मैं पिछली साल ऐसी ही परिस्थिति में मैं स्वयं गया था और जो मकान डूबे थे या कट गए थे उनको मैंने प्रत्यक्ष देखा था। वहाँ एक ठोकर बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी प्रयास करूँगा और जनता की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि की तरफ से हो चाहे प्रशासन की ओर से हो, सब लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हैं। प्राकृतिक आपदा में ये परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए जन सहयोग आवश्यक है। मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि लोगों की सहायता के लिए।